ठीक है सर। सर एक बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे जुड़ा तक मेरे को डिस्कनेक्ट कीजिए, कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है सर। सवाल मेरा यह है क्योंकि ये पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, सीबीआई की विशेष अदालत में, तो आपको क्या लगता है जिस तरह से चार्जेस फ्रेम किए गए हैं और जिस तरह से हेयरिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, कब तक ये पूरा फैसला आ सकता है, कितने महीनों में, कितना टाइम लग जाएगा? गौरव, ये इसमें बहुत वॉल्यूम्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं और बहुत सारे गवाह हैं, और हालांकि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसने कार्रवाई की है, फिर भी आपने देखा कि कितने कितने साल लग गए। तो ये इतना इतना सिंपल नहीं है, ये आप उम्मीद नहीं कर सकते कि चार या छह महीने में। अब ट्रायल का स्टेज है, फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और इतना बड़ा देश का आर्थिक दृष्टिकोण से भी आप देखें तो मेरी समझ में साल डेढ़ साल के अंदर एक कोई निष्कर्ष पर आ जाएंगे कि जो चार्जेस फ्रेम आज हुए 409 का विशेष कर चार्ज और 120 बी का, 420 का चार्ज कोई मायने नहीं रखता, 306 के अंदर जब अप्रूवल स्टेटमेंट दे देगा तो उसका क्या कंसिक्वेंस होगा। और याद रखिए, यदि अप्रूवल का स्टेटमेंट आ जाता है जो आपने नाम दिखाया एक, और वो अप्रूवल एक्सेप्ट हो जाता है, तो आगे की जो ट्रायल है वो बहुत शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि अप्रूवल जैसा कि मैंने कहा ए से जेड पूरा खुलासा कर सकता है किस व्यक्ति का किस परिस्थिति में क्या। सर एक छोटा सा सवाल और, कितनी संभावना आपको दिखती है अप्रूवर बनने की? अभी अर्जी दी गई है और सीबीआई को से कोर्ट ने पूछा है, आपको कितनी संभावना दिखती है कि सुरेश सिंघल अप्रूवर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? देखिए, इस बारे में मेरा कुछ कहना अभी प्री मैच्योर होगा, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं उन्होंने एप्लीकेशन में क्या लिखा है, किंतु साधारणतः आप देखिएगा एलन मिश्रा मर्डर से लेकर आज तक जितने भी बड़े बड़े सीबीआई के केस हुए वो हमेशा एक अप्रूवर के बेसिस पर चलते हैं, कई कई केसेस में तो दो दो अप्रूवर होते हैं। एलन मिश्रा मर्डर केस जो जिसमें मैं भी वकील था उसके अंदर तीन अप्रूवर थे सीबीआई। तो सीबीआई हमेशा केस को ठोस रखने के लिए ये रखती है कि अप्रूवर जरूर हो, जो कि उनकी गवाही में या उनके एविडेंस में जो कमी होती है वो अप्रूवर खाना पूर्ति कर सकता है। ठीक है, ठीक है सर। सर आप रहिए मेरे साथ इस वक्त, रमेश अग्रवाल मैं अब आपके पास आऊंगा। ठीक है, बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरह से ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के इस निगरानी में इतनी अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है, आपको लगता है ये इस सरकार में इस पूरे मामले को लेकर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया और पूरी रफ्तार अच्छी रही इस पूरे मामले की, आपको लगता है कि और तेज हो सकती थी इस पूरे मामले में? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद में जिस तरीके से प्रक्रिया चली है और आज चार्ज फ्रेम तक की स्थिति आ गई है, तो उससे लगता है कि अपना काम जो है पूरे तरीके से ये काम हो रहा है और इसमें कोई ढिलाई वाली बात मुझे कहीं नज़र नहीं आती है उसमें। और जिस तरीके से काम चल रहा है, तो अगर इसी तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होती रही तो जैसा कि अभी बताया गया कि वो साल सवा साल मुझे लगता है कि उसके अंदर अंदर कोई ना कोई फाइनल डिसीजन जो आ जाएगा। एक तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा आप उसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि जो चार्ज फ्रेम की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने हालांकि 144 पेज का कितने का ऑर्डर है जज साहब का मैं पूरा पढ़ नहीं पाया हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज चार्ज फ्रेम हुए नहीं है, आज केवल उसकी चर्चा की गई है और उसको फर्दर डेट के लिए 11/5 में जो सुरेश सिंघल ने जो एप्लीकेशन लगाई है रमेश अग्रवाल, क्योंकि आप इस देश की जनता के बीच घूमते हैं और जनता के बीच कई बार हम जब बात करते हैं लोगों से तो बड़ा एक उनके बीच नेगेटिविटी आती है कि अरे कुछ नहीं होता इस देश में और बड़े लोग आराम से छूट जाते हैं और किसी नेता को आज तक क्या कोई सजा हुई है क्या, जरा बताइए, क्या आपको लगता है जिस पूरी रफ्तार से ये मामला बढ़ा है क्या ये जो धारणा है ये टूटेगी इस पूरे मामले में अगर सजा होती है, या आपको लगता है कि वो जनता की धारणा सही है? नहीं, बिल्कुल, यदि इसमें दोषियों को सजा होती है और जिस क्या मैसेज जाएगा इससे, मेरा आपसे ये पूछने का मतलब है, बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा कि हमारे देश में कहीं ना कहीं जो है सुनवाई होती है, ऐसा नहीं है कि पूरा ही देश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, यहाँ अच्छे जजेस भी हैं, अच्छी कोर्ट भी है, अच्छी सारी चीजें हैं चल रही हैं और न्याय भले ही देरी से मिला लेकिन मिलता है।
आज भी मैंने अपने इसमें सोशल मीडिया में देखा, मैंने इस खबर को लेके काफी उत्साहित थे, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो कि इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं, उनको तो ये लग रहा था कि एकदम सजा हो ही गई और इतने मतलब पटाखे फोड़ने वाली नौबत उनके बीच में थी। लेकिन मैंने उनको बताया कि आज केवल चार्ज फ्रेम वाली स्थिति है, अभी निष्कर्ष आने में टाइम लगेगा। तो जनता में एक उत्साह तो है, उसमें कहीं ना कहीं विश्वास तो पैदा हुआ है कि दोषी बचेंगे नहीं, वो चाहे देर लगे उनको सजा तो जरूर होनी चाहिए और वो होगी, ऐसा एक लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है और इस देश की जुडिशरी पर हमें भी भरोसा है और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस पूरे मामले का फैसला हो। लेकिन तहसीन, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं, एक बात मैं बता दूं, क्योंकि लीगल बात चल रही है, एक लीगल मैक्सिम है, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और ये एक लीगल मैक्सिम है। जहां तक दूसरा सवाल था आपका, क्या बड़े लोगों को सज़ा मिली है, आपको मैं याद दिलाऊं बंगारू लक्ष्मण जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सज़ा मिली थी जो कैमरा पे 1,00,000 रुपये ले रहे थे, तो सज़ा तो होती है। तीसरी बात है, जहां तक इंस्टीट्यूशंस का सवाल है और जजेस का, उन पर सबको भरोसा है, इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस करने की कोशिश हो रही है उसे बचना चाहिए। यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, चाहे वो कोर्ट के बारे में कुछ भी बोल ले, किस तरह से प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रोए और जो बड़ी आसानी से पद्म भूषण दिया गया, मैं इस बात को कहना नहीं चाहता था, लेकिन बड़ी आसानी से आप एक नेता का नाम गिना के चले गए जो बीजेपी से ताल्लुक रखता था। छेड़छाड़ नहीं करती, मैं इस बात को बहस नहीं करना चाहता, लेकिन हम क्या आज सुप्रीम कोर्ट के जज पे बहस कर रहे हैं तहसीन? मेरा सिंपल सा सवाल, क्या हम सुप्रीम कोर्ट के जज पे बात कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं कोल घोटाले के आरोपियों की, बात आप उस बात पे क्यों नहीं बात करना चाहते? क्योंकि हम कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक की बात कर रहे हैं, इसका स्पेसिफिक, क्योंकि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक की बात कर रहे हैं, कहना बहुत जरूरी है कि बंगारू लक्ष्मण जैसे लोगों को सजा मिली हुई है, फिर आप उस बात को छेड़ रहे हैं, फिर मोदी जी डायस पे बैठे। नरेंद्र तेजा, आप जवाब देना चाहेंगे इस बात का? जी हाँ, देखिए मैं बहस का स्तर नहीं गिराऊंगा, पूना वाला जी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश का आपका व्यूअर ज़्यादा, मैं उसका सम्मान करता हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे लिए कोई व्यक्ति विशेष, हम ना किसी के खिलाफ हैं ना किसी के समर्थन में हैं, कानून अपना काम कर रहा है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काम हो रहा है, जो संस्थाएं इन्वॉल्व हैं वो अपना काम कर रही है, हमारा मकसद एक ही है, जो भी हो न्याय हो, देश की जनता को न्याय मिले, और जो देश की संपदा के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया, चाहे वो राजनीतिक थे, चाहे वो किस पॉलिटिकल पार्टी थी, चाहे वो सर, उनको सख्त से सख्त अगर खिलवाड़ किया है और ये साबित होता है, उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति फिर कोई भी हो। हमारा ये कहना है कि कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। और दूसरा मैं बात ये कहना चाहता हूं कि ये बात करना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो कोल सेक्टर है, कोल सेक्टर के साथ जो मजाक हुआ, उसके साथ उसका दुरुपयोग हुआ, उसके साथ पूरी जनता की संपदा से खिलवाड़ हुआ, हमें इस बात की संतुष्टि है, और देश की जनता जानती है कि हमने उस संतुष्टि है कि हमने वहां पे भारी सुधार उसके अंदर लाके दिखाए हैं, आने वाले समय में और सुधार दिखाएंगे। जो लोग इसका विरोध करते हैं, जो संस्थाओं का सम्मान नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मजाक उड़ाते हैं और इस तरह की बात करते हैं, जनता उनको सजा देगी, हम उसमें अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहते। हमारे लिए जरूरी यह है कि जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन हो, जिन लोगों ने देश की सबसे बड़ी संपदा के साथ मजाक उड़ाया, अपना फायदा उठाया, जनता को नुकसान किया, जनता को चीट किया, राष्ट्र को चीट किया, कानून के तहत जो भी इनको सजा मिलती है वो, और जो कानून अपना काम करता है उसका सम्मान करेंगे। ठीक है तहसीन, एक सवाल आपसे ये कि आप पे आरोप बड़ा लग रहा है, आप इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करते, या कांग्रेस इस देश के संवैधानिक संस्थाओं का क्या सम्मान नहीं करती, क्योंकि बार बार उसका मखौल उड़ाने का आरोप है आप पर। ये सवाल आप मोदी जी से करिए, जो सारी संस्थाओं के साथ सारी संस्था, सर मैं सवाल आपसे पूछता हूं, आप तुरंत दूसरा सवाल दाग देते हैं, दैट्स नॉट फेयर। जल्द से तहसीन पूनावाला, दैट्स नॉट फेयर, अब मैं सवाल आपसे करता हूं, आप तुरंत दूसरा सवाल, नहीं अब मैं आपको सुनना पड़ेगा सर, मैं बहुत देर से आपकी बात सुन रहा हूं, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, आपसे सवाल पूछता हूं, आप दूसरा सवाल दाग देते हैं, सर आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका जवाब तहसीन पूनावाला, मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे, आप जवाब नहीं दे रहे, आप सवाल का बिल्कुल जवाब, आप टॉपिक चेंज करना चाहते हैं, सवाल का जवाब है, अगर आपको कोल मामले में अगर आपको साहब कोल मामले में इंसाफ चाहिए, सबसे पहले उन देश को चाहिए सर, क्वेश्चनिंग कीजिए, क्या आपको नहीं चाहिए मनमोहन सिंह जी, क्या आपको नहीं चाहिए, सबसे पहले उनसे आपको नहीं चाहिए, तब आपको क्या आपको नहीं चाहिए सिलेक्टिवली आपको नहीं चाहिए इंसाफ कोल मामले में, आप अजय घोटाले में क्या नहीं, आप अजय संचेती पर भी कार्रवाई, कोई भी है सर, अजय संचेती कौन है, कौन नहीं है, मैं बात नहीं कर रहा, क्या आपको कोल घोटाले में इंसाफ नहीं चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, आपको कोल घोटाले में इंसाफ नहीं चाहिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या ना, बिल्कुल होनी चाहिए, होना चाहिए, अजय संचेती आपको लगता है, बिल्कुल चाहिए, इंक्लूडिंग अजय संचेती, आप सुनाई नहीं दे रहे, ये हम और आप प्रूव नहीं करेंगे, कोर्ट प्रूव करेगी, और कोर्ट में मामला काम ही नहीं करे अजय संचेती, बाकी चीफ आप करिए ना,
आप आरोप लगा रहे हैं, आप एफआईआर करिए इसको। क्या मामला, क्या चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चनिंग हुआ? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या चीफ मिनिस्टर से सवाल का जवाब नहीं दे रहे? ये बात गलत है, नहीं तहसीन पुनावाला मेरी बात सुनिए, ये बात गलत है। आपसे सवाल पूछा जाता है, आप दूसरे सवाल दे रहे देते हैं। मेरा जवाब आपने सवाल में, क्या चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चनिंग हुई है? चलिए हम उस मुद्दे पर बात करें, वेरी स्पेसिफिक, क्या बीजेपी के चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चनिंग हुआ है? एक गौरव एक मिनट मुझे दीजिए, गौरव एक मिनट मुझे दीजिए। ठीक है नरेंद्र तेजा, योर टर्न, और जवाब भी दे दीजिएगा जो तहसीन पुनावाला करोड़ का हिसाब दे दीजिए। देखिए मैं एक बात, करोड़ का हिसाब दे दीजिए। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, मेरा देखिए, मैं मेरा ये कहना है कि जो सीबीआई कोर्ट और अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसको सवाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये वहां पे तय हो रहा है, ये सरकार नहीं कर रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, संस्थाओं का सम्मान, हमारे देश का दुर्भाग्य था कि इस देश में 10 साल सबसे बड़ी संस्था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, देश में 2 प्रधानमंत्री रहे, एक कानूनी और एक डिफेक्टो, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। संस्थाओं की सबसे बड़ा ऑफिस प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ उस संस्था के साथ आप लोगों ने मजाक किया, और आप यहां संस्थाओं की बात करते हैं, आपकी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। सबसे बड़ी क्या डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर देश में नहीं थे? मना करिए इसको, हंसेगा पूरा देश और पूरी दुनिया आपके सामने, यह सच्चाई है, है ना? तो इसलिए यही बात है, मंत्री शोभा नहीं देती आपको। आज का विषय उसी पे हम फोकस करते हैं, कानून के तहत, जो कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजर में, कानून के तहत हमारा सिर्फ यह है कि कोयले का मसला है, देश की सबसे बड़ी संपदा है, आप कानून की मदद करिए, कानून का साथ दीजिए। चलिए, वक्त मेरे पास बचा नहीं है और मैं न्यूट्रल कमेंट लेकर इस बहस को वाइंड अप करूंगा, सीबीआई का साथ दीजिए, न्यूट्रल कमेंट रमेश अग्रवाल में आपसे लूंगा। नहीं, ये उनका साथ क्यों नहीं देते? मेरे पास समय नहीं है सर, कानून का साथ क्यों नहीं देते? कांग्रेस कानून का साथ क्यों नहीं देती? ये तो हम पूछ रहे हैं, और आज हमारे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो कल जनता पूछेगी, और उसके सवाल का जवाब तहसीन पूनावाला और उनकी पार्टी को देना पड़ेगा। लेकिन समय खत्म हो चुका है, और एक न्यूट्रल कमेंट आपसे रमेश अग्रवाल, कोल घोटाला जिससे देश को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, इसमें एक लंबा सफर तय हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरा मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक्स तक कैंसिल किए हैं और आज चार्जेस फ्रेम हुए हैं। लेकिन केवल कोल घोटाले की हम बात करें तो पूरे देश में एक मैसेज जाता दिख रहा है कि नहीं, देर से ही सही, इस देश की न्यायिक प्रक्रिया उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और करेगी जिन्होंने घोटाला किया है। क्या आपको लगता है इससे आने वाले वक्त में वो लोग डरेंगे जो इस ऐसे चीजों को करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है? फाइनल कमेंट आपका इस पूरे मामले पर। देखिए गौरव जी, मैं किसी पार्टी विशेष से संबंध नहीं रखता हूँ और बड़े दिलचस्पी से दोनों के कमेंट्स में सुन रहा था, लेकिन मैं कहना यही है कि हमें संस्थाओं पे जो है, आखिर में तो हमें हमारी ही बनाई हुई संस्थाएं हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सीबीआई हो, हमें विश्वास तो करना होगा, और जो भी कार्रवाई हो रही है उससे देश में कहीं ना कहीं जो है एक विश्वास लोगों में पैदा हुआ है कि जो कुछ दोषी है उनको सजा मिल के रहेगी, ये एक विश्वास लोगों में जगा है। ठीक है, थैंक यू सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तहसीन आपका भी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नरेंद्र तनेजा थैंक यू वेरी मच सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एमएल लाहौटी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कोर्ट में मामला है और कोर्ट ही तय करेगी कौन दोषी है कौन नहीं है, लेकिन देश को नुकसान हुआ है और जिस तरह से ब्लॉक कैंसिल किए गए, जिस तरह से आरोप तय हुए, ये तो है कि देश को बड़ा नुकसान हुआ है, और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान हम सबको करना चाहिए, चाहे कोई भी, और उन पर भरोसा भी रखना चाहिए, और हमें भी पूरा भरोसा है कि इस केस के दोषियों को सजा जरूर मिलेगी, उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा, क्योंकि देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। हम आपको इस केस का पूरा अपडेट, पूरा एनालिसिस देते रहेंगे। फिलहाल बिग स्टोरी पर डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।